पाइथागोरस प्रमेय। आपने पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कई प्रश्न हल किए हैं व गतिविधियों के द्वारा इस प्रमेय का सत्यापन भी किया है। क्या त्रिभुजों में समरूपता की अवधारणा को उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं? आइए देखें। प्रमेय 8। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। प्यारे बच्चों, हम प्रमेय 8 पर बात करेंगे। अब प्रमेय 8 में एक खास बात समकोण त्रिभुज के बारे में कही जा रही है। ये समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि हम विकर्ण पर लंब डालें तो ये जो विकर्ण पर डाला गया लंब है वो पूरे समकोण त्रिभुज को दो और समकोण त्रिभुजों में बांटता है। तो ये प्रमेय इस बात पे हमारा ध्यान ले जाता है कि जो बनने वाले दोनों समकोण त्रिभुज हैं वो भी आपस में समरूप होते हैं और ये दोनों के दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो देखते हैं इस प्रमेय में क्या क्या बातें हैं और इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से एक बार इसको हम पढ़ के देखें। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, इतने इसे को ध्यान से देखिए आप। यदि किसी समकोण त्रिभुज के ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और बिंदु बी समकोण बनाने वाला शीर्ष है तो इस शीर्ष से हम आधार ए सी पर लंब डालें तो ये जो लंब बी डी है वो पूरे त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांटता है, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं चूँकि लंब डाला गया है इसलिए समकोण त्रिभुज ही होंगे और ये जो दोनों समकोण त्रिभुज हैं वो मूल त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप होते हैं और चूँकि दोनों के दोनों एक खास त्रिभुज के समरूप हैं इसलिए आपस में भी ये समरूप होते हैं। ये बात हमें सिद्ध करनी है इस प्रमेय में। तो देखिए हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये देख लीजिए आप, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना और इसमें बी से डी बी डी जो लंब है वो ए सी पर डाला गया है, ए सी जो इस त्रिभुज का विकर्ण है उसमें एक लंब बी डी डाला गया है। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि इस तरह से लंब डालने से जो त्रिभुज बने ए डी बी वो त्रिभुज ए डी बी पहले वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा और वैसे ही जो एक और त्रिभुज बी डी सी बना है वो भी पहले वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि जब हम त्रिभुज का नाम लेते हैं तो हम उस क्रम में लेते हैं जैसे समरूपता के लिए ज़रूरी है। जो दोनों त्रिभुजों में समरूप बनाए ऐसे शीर्षों और भुजाओं को हम उस क्रम से बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखिए ए डी बी कहा, ए डी बी हमने इन शीर्षों का जो उच्चारण किया वो इसका क्रम क्या है, ए डी फिर उसके बाद बी की हम बात कर रहे हैं। तो ए डी और डी बी को आप देखिए ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं और इसमें से भी छोटी वाली भुजा को हम पहले ले रहे हैं और बड़ी वाली जो समकोण बनाने वाली भुजा है उसको बाद में ले रहे हैं। तो क्रम हमारा होता है त्रिभुज को बोलने का ए डी बी और ये पूरे त्रिभुज को इंडिकेट करता है, बताता है। ठीक ऐसे ही हमको बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात करनी पड़ेगी। बड़े वाले त्रिभुज में देखिए समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी है और बी सी है और इसमें छोटी भुजा ए बी है। तो जब हम समरूपता के संबंध में दूसरे वाले त्रिभुज का नाम लेंगे तो हम पहले वाले त्रिभुज में जो नाम लिए हैं उस क्रम का ध्यान रखेंगे और हम इस त्रिभुज के बारे में कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, पहले छोटी वाली भुजा फिर बड़ी वाली भुजा फिर ये तीनों का उच्चारण ए बी सी हुआ। तो हम कह रहे हैं कि ए डी बी बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप है और ठीक इसी तरह से जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है बी डी सी इसको भी हम उसी तरह से बोल रहे हैं, बी डी सी त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। अब चूँकि ये दोनों त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप हैं इसलिए आपस में भी समरूप होंगे तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर सिद्ध कर रही हैं। तो चलिए हम इसकी उत्पत्ति शुरू करते हैं, वो उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं जिसमें हम प्रूफ करते हैं इन चाही हुई चीज़ों को। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो हम लिखें यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में समरूपता के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। आप इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए डी बी
और एबीसी, इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण ए पर बन रहा है वो उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। एक बार फिर से देखिए त्रिभुज एडीबी में, देखिए एडीबी इस त्रिभुज में कोण ए उपस्थित है और त्रिभुज एबीसी में भी एक कोण उपस्थित है, यानी कोण ए दोनों त्रिभुजों का हिस्सा है, तो हम कहेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुजों में, ये बात हमको मिली। दूसरी चीज देखिए, कोण एडीबी जो समकोण है, क्योंकि बीडी एसी पर लंब है, इस कारण यहां जो कोण बन रहे हैं दोनों तरफ वो समकोण होंगे, तो आप लिख सकते हैं कि कोण एडीबी बराबर कोण एबीसी, ये भी देखिए समकोण है, यहां पहले दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो आप लिख सकते हैं कोण एडीबी बराबर कोण एबीसी, और इसका कारण लिखिए दोनों समकोण त्रिभुज हैं। अब याद करिए समरूपता की जो शर्तें होती हैं त्रिभुज के लिए, उसमें यदि दो कोण, किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले छोटे त्रिभुज के दो कोण क्रमशः ए और यहाँ जो डी का ये वाला हिस्सा है वो बड़े वाले त्रिभुज के कोण ए और इस कोण बी के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो पहली चीज़ हम यहाँ सिद्ध कर पा रहे हैं कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तो ये पहली बात जो हमें सिद्ध करनी थी वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर ली। अब ठीक इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, दूसरे त्रिभुज के सेट को ले हम त्रिभुज बी डी सी की हम बात करेंगे। त्रिभुज बी डी सी, देखिए इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज पहले वाला त्रिभुज ए बी सी, हम फिर से ले रहे हैं उसको, तो त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी, यहाँ देखिए आप त्रिभुज बी डी सी इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा बड़ा त्रिभुज जो पहले आपने लिया था वही वाला त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर भी हमको कोणों के आधार पर समरूपता पर ध्यान देना होगा। आप सोचिए क्या चीज़ बराबर है इसमें, कोणों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि कोण सी दोनों त्रिभुजों में मौजूद है। फिर से देख लीजिए त्रिभुज बी डी सी इस त्रिभुज में भी कोण सी मौजूद है, और त्रिभुज ए बी सी इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण सी मौजूद है। तो इस कथन को आप लिख लीजिए दोनों त्रिभुजों में कोण सी बराबर कोण सी, इसे आप लिखिए उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण है ये। अब दूसरा कोण देखिए, ठीक पहले की तरह आपको यहां पर भी मिलेगा कि एक समकोण बन रहा है त्रिभुज बी डी सी में, डी पर बनने वाला जो कोण है वो समकोण है, और पहले वाले में तो आपने समकोण बी पर देख ही लिया था, तो फिर से आप लिखिए कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज का समकोण बी, जिसे आप पूरा लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे कोण ए बी सी, ये दोनों के दोनों समकोण हैं, और इसलिए आप देख पा रहे हैं कि पहले त्रिभुज के दो कोण क्रमशः सी और डी पर इस तरफ बनने वाला कोण, दूसरे त्रिभुज की कोण सी और कोण ए बी सी इस जगह पर बनने वाले कोण के बराबर हैं। और फिर से आप एक बार समरूपता की जो शर्त है जो कहती है कि किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के अलग अलग दो कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो इस आधार पर आप इन दोनों त्रिभुजों को लिए कह सकते हैं समरूप होंगे ये, तो आप लिखिए त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। देखिए बी डी सी और ए बी सी समरूप सिद्ध करना था, ये दूसरी वाली बात सिद्ध हुई। और यहाँ फिर से देखिए इन दोनों कथनों को, आप देखेंगे ए डी बी समरूप है ए बी सी के और बी डी सी समरूप है ए बी सी के, तो चूंकि दो त्रिभुज, दो अलग अलग त्रिभुज किसी एक ही त्रिभुज के समरूप हैं तो वो आपस में भी समरूप होंगे, तो इस बात को आप इस तरह से लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ये तीसरा कथन आपको मिला, जो तीसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं वो आपने यहाँ पर लिख लिया। देखिए ए डी बी
BDC, त्रिभुज ADB, त्रिभुज BDC के समरूप है। तो ये तीन जो बातें सिद्ध करनी थी, कथन सिद्ध करने थे, वो आपके सिद्ध हुए।